आपके दम पर विश्वास दिलाते हैं। हमारे बिंद का कोई भी एक मजदूर, कोई भी एक युवा बाहर भटकने को मजबूर नहीं होगा। अभी हाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 100वीं कड़ी पर देश से बातचीत की, लेकिन अब दिल की बात भी हो रही है। लेकिन ये बात प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भाजपा के ही विधायक नारायण त्रिपाठी कर रहे हैं। मैयर विधायक लगातार विंध्य प्रदेश पुनर्निर्माण की मांग को लेकर मुखर रहते हैं। उन्होंने न सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए बात की बल्कि विंध्य के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। हम विश्वास दिलाते युवा भाइयों को, लिखित देता हूँ गारंटी के साथ, आइए आप सब लोग मिलिए और विंध्य का पुनर्निर्माण कराइए, अपने विंध्य का पुनर्निर्माण कराइए। आपके दम पर विश्वास दिलाते हैं। हमारे विंध्य का कोई भी एक मजदूर, कोई भी एक युवा बाहर भटकने को मजबूर नहीं होगा। हम तो आपके बीच में बैठ के प्लान करेंगे, एक एक बात आपके सामने रखेंगे। और हमारा किसान भाई, व्यापारी भाई, युवा वर्ग जो हमारा 18 से 35 साल का है, हम दावे के साथ बोलते हैं कि अपना विंध्य का पुनर्निर्माण कराइए। एक एक आदमी को बताया कि सरकारी नौकरी 10 से 15 हजार लोगों को हर साल दिया जाएगा, 20 से 25 हजार लोगों को अशासकीय जगह नौकरी दी जाएगी। जिनको नौकरी नहीं मिल पाएगी उनको जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक 3000 रुपया प्रतिमाह पेंशन उनकी लागू की जाएगी, प्रतिमाह उनको पेंशन दी जाएगी। और फिर मैं दावे के साथ कहता हूँ, विंध्य प्रदेश बनने के बाद एक तरह का घोषणा पत्र जारी करना और साथ ही अपनी सरकार को घेरना, आखिर नारायण त्रिपाठी क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या आने वाले चुनाव से पहले भाजपा विधायक खुद अलग पार्टी बनाकर विंध्य में भाजपा का गणित बिगाड़ेंगी, ये बड़ा सवाल है। से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।